बहुत बहुत ध्यान देना, ये शिवलिंग जलाधारी, ये जो चरण पे से जल नीचे गिर रहा है वो स्थान, बहुत बहुत ध्यान देना थोड़ा सा हो। ये शिवलिंग जलाधारी, यहां से जल अशोक सुंदरी के पास में से नीचे की ओर गिर रहा, ठीक है। बेलपत्र नहीं है आपके पास चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। जल नहीं है चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। अक्षत नहीं है चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। पुष्प नहीं है शिव जी को चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। शमी पत्र नहीं है, मत चढ़ा। पर किसी शिवालय में, किसी शंकर के मंदिर में अगर तुम गए हो, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, जो भी भगवान का दर्शन तुमने किया है, तो यहां से जो पानी नीचे गिरता है उस गिरने वाले स्थान पर मात्र अपने हाथ का 3 बार स्पर्श कर बाबा से दिल की बात कहकर आ जाओ, मन की मुराद बाबा पूर्ण कर देता है। वो सहज प्रसंग है। माने मेरी माता पार्वती जी ने शिव जी के चरण के नीचे के तलवे को मेरी माता ने स्पर्श किया है। आज बाबा बैठे हुए और माता ने For warfighters, knowing what is happening over the hill or around the corner can mean the difference. चरण के तलवे को स्पर्श किया, स्पर्श स्पर्श किया। बस अब पार्वती जी ने प्रश्न नहीं किया, 3 प्रश्न माता पार्वती जी कर चुकी थी। अब दूसरी बार माता पार्वती जी ने शंकर जी से कोई प्रश्न नहीं किया। मेरा धर्म पत्नियों से निवेदन है, तुम्हारे पति से तुमने 1 प्रश्न किया और उसका उत्तर अगर वो नहीं दे रहे हैं तो तुम मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, पीछा मत पकड़ना। पर तुम्हारी आदत इतनी विचित्र है, जब तक उस बात के पीछे तुम्हारी लड़ाई नहीं हो जाए तब तक तुम वो बात कभी खत्म करती ही नहीं। उसके पीछे जब तक विवाद ना हो जाए तब तक वो बात खत्म नहीं होती। पर शिव महापुराण अपने चरित्र का वर्णन करते हुए कह रही है, शिव तत्व का चरित्र का वर्णन करते हुए कह रही है कि जब एक बात का प्रश्न, 1 प्रश्न तुमने किया और तुम्हारे पति ने उत्तर नहीं दिया, तो हो सकता है वो उत्तर बाद में दे, हो सकता है उस उत्तर के लिए तुम ठीक नहीं हो, हो सकता है उत्तर के लिए वो समय ठीक नहीं है, हो सकता है उत्तर के लिए वो स्थान ठीक ना हो, हो सकता है वो उत्तर तुम्हारे लिए ना हो, इसलिए उसने नहीं दिया। पर आपसे निवेदन है, आप पीछा पकड़ कर मत बैठ। कई कई माताओं की आदत होती है, कई कई आवाज पकड़ रहा है, गला पकड़ रहा है, कई कई माताओं की आदत रहती है पीछे के गए हुए लोगों को ज्यादा उखाड़ते हैं, पीछे का जो समय चले गया ना उसको उखाड़ते हैं। वो तो मैं उस दिन से जानती हूं जिस दिन से शादी करके आई हूं ना, 3 दिन नहीं हुए थे और तुम्हारी बहन ने मेरे साथ जो जो करा है ना, मैं सब मालूम है मेरे को। अब जब लड़ाई होती है तब वो 3 दिन, उसके पूरे 70 साल की हो गई पर वो 3 दिन खत्म नहीं हुए, उसके 3 दिन उसके चालू है। अब मेरे महादेव जी ने क्या करा, केवल चरण के तलवे को स्पर्श किया था मेरी मां ने, केवल चरण को स्पर्श, और शिव जी ने कह दिया, गौरा ए गौरा ए हिमालय सुता ए विनायक की महतारी ए षडानंद कार्तिकेय की मां, जगत का भरण पोषण करने वाली है जगत जननी, तुमने 3 प्रश्न मुझसे किए, अब प्रश्न ही कराए मेरी माता ने। केवल 1 बार प्रश्न कर मेरी माता भूल गई और भूलने के बाद मेरी मां महादेव के चरण के
उस रज को, उस नीचे तलवे को केवल स्पर्श करी और शिव जी ने उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। सुनो हिमालय सुता, सुनो गोरा, सुनो हे जगत धात्री जगदम्बा, हे दुर्गा, सुनो तुम्हारा पहला प्रश्न था कि मैं भोजन की थाली के सम्मुख बैठा तो नंदी को क्यों देखा।